नागपुर के जीरो माइल चौक पर कलमेश्वर के किसानों के बेटों ने कृषि उपज की कीमत के लिए हाथों में तकिया लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कृषि उत्पादों का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और इसी के चलते हमें शादी के लिए कोई कन्या नहीं देते। इसलिए हमने सरकार से कृषि उत्पादों के मूल्य देकर इस समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इन विवाह योग्य युवकों से बात की है हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने, आइए डालते एक नजर। शीत सत्र शुरू है और शीत सत्र में हम सभी को पता है कि हर साल जो है सैकड़ों की संख्या में जो है अपनी मांगों को लेकर मोर्चे दस्तक देते हैं और आज जो है ऐसा ही एक मोर्चा नहीं कह सकते, कुछ युवक जो है अपनी समस्या को लेकर यहाँ आए हैं, विधान भवन पर दस्तक दी है। उनकी समस्या यह है कि उनके एक फसल को जो है सरकार की ओर से उचित भाव नहीं मिलने के कारण उन्हें शादी के लिए कोई लड़की देने को तैयार नहीं। आप देख पा रहे हो यहाँ उनके हाथों में बैनर है और उस पर उनकी समस्या लिखी है। उन्हें खेती के लिए पानी मिलता नहीं, लाइट मिलती नहीं, साथ ही साथ जो है उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी वो अपनी खेती जो है करते हैं, लेकिन शादी के लिए वो अगर कहीं जाते हैं तो उन्हें लड़की नहीं दी जाती। क्या उनकी समस्या है उनकी ज़ुबानी हम जानते हैं, क्या बताओगे, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माझं नाव शुभम प्रभुजी गावंडे आहे, मी कडमेश्वरवरून आलेलो आहे। आमची एकच समस्या आहे की आमच्या शेतीला योग्य भाव द्या, योग्य भाव मिळाला तर आमचं समाजामध्ये चांगलं मान दाटी करून जगू शकू आम्ही। आमच्या सोयाबीनला तुम्ही योग्य भाव देत नाही आहे, पाऊस असा करतो, आज पिकं कमी होत आहे, पिकं कमी असतानाही सरकार सोयाबीनला भाव देत नाही, कापसाला भाव देत नाही, खताचे आणि औषधीचे भाव एकदम वाढून ठेवले, त्यामुळे खूप मोठी समस्या निर्माण झाली आहे। आज शेतकरी म्हटलं की कोणी त्याच्याकडे लक्ष देत नाही। आज शेतीची परिस्थिती अशी आली आहे, आज शेतीची परिस्थिती अशी आली आहे की कोणी शेतकरी म्हटलं का धुतकारून देते, कोणी ऑफिसमध्ये गेलं का त्याला वेगळं करून देते, चल इथे काम होणार नाही असं नाही तसं नाही। आज शेतकरीची परिस्थिती खूप नाजूक असली झालेली आहे, तरी आम्ही सरकारनं एवढंच विनंती करतो की आमच्या शेतीला योग्य भाव मिळाला तर आम्ही चांगलं जगू शकतो। आज आम्ही शिक्षण केलं, शिक्षण असून पण बेरोजगार आहे, बेरोजगारी खूप वाढत आहे। आज एवढं शिकून आम्हाला आमच्या घरी शेती असताना शेतीच करावं लागते। आज आमचं लग्नाचं वय झालं, आज आम्ही कुठे गेलो मुलगी बघायला तर आधी शेतकरी म्हटलं की ते नाही म्हणतात, डायरेक्ट ड्युटी पाहिजे, सरकारी जॉब पाहिजे, एवढं पेमेंट पाहिजे, एवढं पेमेंट, शेती असून मग आमच्याकडे काय व्हॅल्यू आहे? जर आमच्या शेतीला योग्य भाव मिळाला तरच आमचं जगणं उचित होईल आणि चांगलं आम्ही जगू शकतो ताटमान करून, एवढंच आमची समस्या आहे। तरी सरकारने आमच्या शेतमालाला योग्य भाव द्यावा हीच आमची विनंती आहे सरकारला। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम प्रफुल्ल कृष्णाजी घोटेकर है, मैं कलमेश्वर से आया हूँ। मेरा भी यही समस्या है कि जो हमारा जो माल रहता है खेत का उनको भाव नहीं मिलता। मॉल में जाएंगे तो मॉल में भेदभाव नहीं करते, वो भाव नहीं पूछते, और हमारे पास आए तो हमारे को भाव पूछते हैं, जो कम करके ही पैसे लेते हैं हमारे पास से। आप लड़की देखने जाते हो तो क्या समस्याएं आती है? और लड़की देखने गए तो लड़की वाले सीधे ही बोलते हैं शेतकरी मूल गए वो काम लड़की नहीं देंगे करके, हमको होना बोलते गौर शेती होना पर शेतकरी लड़का नहीं होना, इनके ये वाला है। इसके वजह से हम पूरे परेशान हो गए और लड़की नहीं मिल रही कुछ नहीं, इतने साल के हो गए कोई लड़की नहीं देते, कुछ नहीं देते और भाव तो कुछ देते ही नहीं है। तो हमने देखा कि आज तक हमने कई मोर्चे देखे हैं जिनकी विविध समस्याएं रहती है, लेकिन ये अनोखी समस्या, अनोखी नहीं कह सकते, जो किसानों को जो है दाम नहीं मिलते उनके फसल को और उसकी वजह से ये समस्या जो है निर्माण हुई है कि अब जो है युवकों को जो है लड़कियां जो है शादी के लिए नहीं मिल रही है और इसी मांग को मतलब फसल के दाम की मांग को लेकर जो है कुछ युवक यहाँ आए और उन्होंने अपनी जो समस्या है वो अपनी ज़ुबानी बयां की है और बताया कि उन्हें किस तरह से उनके वैयक्तिक जीवन में जो है समस्या आ रही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।